हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट द लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है अगेन लोकेशन ऑफ रूट्स। क्या है कि भाई रूट्स एग्जैक्टली लाई कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कंडीशन दी होगी। ठीक है, जैसे बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन वन। ठीक है, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, इसका मतलब है कि एक जीरो के बड़ा है एक जीरो से छोटा है। बोथ रूट्स आर लेसर देन 10। ठीक है, वन रूट इज ग्रेटर देन टू, अदर रूट इज लेस देन जीरो। ठीक है, या बोथ रूट लाइज बिटवीन टू एंड फोर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करना, इसको बोलते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो एक एक करके पांच छह कंडीशन हैं इसके अंदर। ठीक है, उन सबको समझना है एंड समझने की कोशिश करनी है, रटना नहीं है। ठीक है, ध्यान से दोबारा। पहला है, ठीक है, कि देखो अगर एक पॉइंट के हिसाब से देखूं, ठीक है, जो ये डी है तो दोनों रूट्स हमारे इधर हो सकते हैं अल्फा बीटा, यानी कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन डी। ठीक है, बोथ रूट्स ग्रेटर देन डी। ठीक है, या फिर अल्फा इधर बीटा इधर एंड डी, तो इसका मतलब क्या है कि नंबर लाइन पे दोनों रूट्स पीछे आ रहे हैं, तो बोथ रूट्स स्मॉलर देन डी। या फिर डी इधर आ गया, अल्फा इधर आ गया, बीटा इधर आ गया, तो मतलब डी लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स। ठीक है, बोथ रूट्स, या फिर वन रूट इज ग्रेटर देन डी एंड अदर इज लेस देन डी। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हो जाए कि बोथ रूट्स आर, वन रूट इज पॉजिटिव, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। ठीक है, मतलब जीरो लाइज इन बिटवीन रूट्स। ठीक है, ये वो कंडीशन आ गई, तो जीरो लाइज इन बिटवीन बोथ द रूट्स, राइट। या फिर इसका केस क्या आ जाएगा, जैसे बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन वन, बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन टू, इस तरीके से, राइट। तो सिंगल नंबर के कंपैरिजन से टोटल तीन केसेस बनते हैं। अब इन तीनों केसेस को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट केस इज बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन डी। ठीक है, तो फर्स्ट केस बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन डी। ठीक है, तो अब इस चीज को क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, इसकी कंडीशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये है कि डी अगर इधर है तो क्वाड्रेटिक या तो ऐसी हो, ठीक, कैसी भी हो सकती है, ऊपर या नीचे, राइट, या तो ऐसी हो, राइट। तो सबसे पहले देखो, तो दोनों रूट्स होने चाहिए, राइट, सेम हो, डिस्टिंक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो रूट्स होने चाहिए, राइट। तो सबसे पहली कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो दिस विल मेक श्योर कि यस, जो भी क्वाड्रेटिक का पैराबोला बन रहा है, अपर और लोअर, इट डज नॉट मैटर, यस इट टचेस और कट्स द एक्स एक्सिस। तभी तो बात होगी ना कि देखो रूट्स होने चाहिए, तभी तो बोलेंगे कि वो बड़े हैं डी से, राइट। तो दिस कंडीशन मेक श्योर कि रूट्स हैं, इक्वल है या अनइक्वल है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ रूट्स हैं। ठीक है, तो दिस कंडीशन याद रखना, ये आगे जाके भी यूज होगी, सारी चीजों के अंदर ऐसी ही स्टैंडर्ड कंडीशन यूज होगी। तो दिस मेक श्योर रूट्स एग्जिस्ट जिनको हम डी से बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन है कि ये जो मिड लाइन है ये क्या होती है, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाय टू है, राइट, ये डी से बड़ी है। ठीक, तो माइनस बी बाय टू ए इज ग्रेटर देन डी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डी लाइज टू द लेफ्ट ऑफ मिड, ये जो लाइन है, राइट, मिड लाइन, मिड लाइन बोल दो, एक्सिस ऑफ पैराबोला बोलो। ठीक है, तो दिस मेक्स श्योर डी लाइज टू द लेफ्ट ऑफ, ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, एक्सिस मतलब मिड लाइन। ठीक है, अब यार डी देखो, इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंगली चलो, फॉरगेट एवरीथिंग केस क्या था, इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंगली चलूं तो पहला कंडीशन बताता है कि रूट्स हैं, तो या तो ऐसे होंगे या तो ऐसे होंगे, ये मिड लाइन आ गई, ये मिड लाइन आ गई। सेकेंड कंडीशन ये बताता है कि डी जो है वो माइनस बी बाई टू से छोटा होना चाहिए, तो भाई छोटा है तो डी इधर भी लाई कर सकता है, इधर भी कर सकता है, डी इधर भी लाई कर सकता है, इधर भी कर सकता है। नाउ एक और कंडीशन आएगी विच विल मेक श्योर कि डी इधर ना आए एंड डी इधर ही आए। ठीक है, तो एक कंडीशन स्टिल अभी मिसिंग है, यहां से हमने ये मेक श्योर किया। ठीक है, अब वो कंडीशन क्या आएगी, ठीक है, ध्यान से देखो कि
इसका ए क्या है? पॉजिटिव। एंड डी पे आउटपुट क्या आ रहा है? अबव एक्स एक्सिस, तो डी पे आउटपुट पॉजिटिव है, यानी कि एफ ऑफ डी इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है? लेस देन जीरो। एंड डी पे आउटपुट क्या आ रहा है? वो भी नेगेटिव आ रहा है, यानी कि एफ ऑफ डी इज लेस देन जीरो। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। एंड ये दोनों पॉजिटिव, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, यानी कि इस केस में ए इंटू एफ ऑफ डी इज पॉजिटिव, एंड इस केस में भी ए इंटू एफ ऑफ डी इज पॉजिटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। तो कहने का मतलब ये दोनों केसेस में कंडीशन मेक श्योर करेगा कि डी जो है वो यहाँ पे लाई करे, यानी कि इधर लाई करे, इधर लाई करे। ठीक है, यहाँ पर डी ना लाई करे, यहाँ पर डी ना लाई करे। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन क्या आ गई? ए इंटू एफ ऑफ डी इज लेस देन, सॉरी, इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अगेन ये चीज क्या मेक श्योर करती है? ठीक है, ये चीज क्या मेक श्योर करती है, इस चीज को समझने की कोशिश करो। ठीक है, देखो, अगर ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, ठीक है, ए अगर पॉजिटिव है तो देखो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करूंगा तभी जाके पॉजिटिव आउटपुट आए, तभी जाके पॉजिटिव बनेगा, राइट। यानी कि अगर ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ डी भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि डी एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पे फंक्शन का आउटपुट आ रहा है पॉजिटिव। तो क्या हो सकता है? देखो, फंक्शन का आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे या तो यहाँ पे, तो दिस मेक्स श्योर कि डी जो है, राइट, वो कहाँ पे लाई करे? या तो यहाँ पे लाई करे या तो यहाँ पे लाई करे, यानी कि डी लाइज आउटसाइड दी रूट्स। ठीक, ऐसे ही अगर ए नेगेटिव हो गया तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए, तभी जाके दोनों नेगेटिव, नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, यानी कि एफ इस केस के अंदर एफ ऑफ डी होना चाहिए नेगेटिव, राइट, इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई होना है। अब एफ ऑफ डी नेगेटिव का मतलब क्या है? कि डी एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पे आउटपुट आ रहा है नेगेटिव, तो वो होगा यहाँ पे या तो यहाँ पे। दिस अगेन मेक श्योर कि डी लाइज आउटसाइड द रूट। तो ये कंडीशन जो है ये मेक श्योर करते हैं ए चाहे पॉजिटिव है चाहे ए नेगेटिव है, डी लाइज आउटसाइड द रूट, इधर या इधर। ठीक है, अगेन दिस मेक्स श्योर डी लाइज आउटसाइड द रूट। ठीक है, अब इन तीनों कंडीशन को साथ में देखते हैं। ठीक है, इन तीनों को, सबसे पहला रूट्स है या तो ऐसे या तो ऐसे, सेकंड डी जो है वो माइनस बी बाई टू ए से छोटा है, मतलब डी जो है या तो इधर लाई करता है या तो इधर, डी जो है या तो इधर लाई करता है या तो इधर। लेकिन थर्ड कंडीशन क्या मेक श्योर करती है? कि डी जो है, राइट, वो रूट्स के बाहर लाई करेगा, यानी कि डी इधर नहीं लाई कर सकता, डी इधर लाई करेगा, राइट, डी इधर नहीं कर सकता, इधर करेगा। यस, ये दोनों केसेस फाइनली क्या बन गए कि डी यहां पे लाई करता है, यानी कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन डी, डी यहां पे लाई करेगा, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन डी। तो यस, ये तीनों कंडीशन मिलके मेक श्योर करती हैं कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन डी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ। ध्यान से प्लीज चेक करो, क्लियर हुआ ये तीनों कंडीशन? कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, तीनों कंडीशन में कहीं पर भी डाउट है तो प्लीज बताओ। अरमान, अनीश, अर्पित, अर्शिया, ईशिका, क्लियर हुआ? मानस, नमन, प्रणव, राजवीर, साहेब, तनिष, तुषार, क्लियर है? यस सर, हाँ जी, यस सर, ओके ओके, मानस क्लियर है ना? समझ नहीं आया मेरे को। यस राइट राइट, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो जरा, मैं एक एक एग्जांपल साथ साथ में कराता हूँ। ठीक है, वो बोल रहा है कि लेट से एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एम माइनस थ्री एक्स प्लस एम इज इक्वल टू जीरो, वेयर एम बिलोंग्स टू ऑल रियल, बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड एम फॉर बोथ रूट्स टू बी पॉजिटिव। ठीक, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दोनों रूट्स इसके पॉजिटिव का मतलब यह है कि दोनों रूट्स यहां पे लाई करने चाहिए, मतलब बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो अपने आप ही बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन जीरो बन गया, यानी कि डी इन दिस केस इज जीरो। ठीक है, अच्छा, ऊपर से अच्छी बात तो यह है कि यहाँ पे ए पहले ही हमें पॉजिटिव दे रखा है वन, राइट, तो इस केस में क्वाड्रेटिक ऐसा ही बनना चाहिए, अपवर्ड ही बनना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले कंडीशन क्या आएगी? डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो क्या आ जाएगा इसका? बी स्क्वायर, दैट इज एम माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए, दैट इज वन इंटू सी, दैट इज एम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एम स्क्वायर माइनस सिक्स एम प्लस नाइन
माइनस फोर एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एम स्क्वायर माइनस टेन एम प्लस नाइन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एम माइनस वन इंटू एम माइनस नाइन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। तो क्या कंडीशन आ गई, वन एंड नाइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो एम बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन नाइन टू इन्फिनिटी, इक्वालिटी है इसलिए वन को एंड नाइन को इंक्लूड करेंगे। तो ये मेक श्योर करेगा कि रूट्स हैं, अगर एम की वैल्यू वन से छोटी, वन या वन से छोटी, नाइन या नाइन से बड़ी है, तो दिस विल मेक श्योर यस रूट्स है, ठीक है। चलो एक तो ये चीज हो गई, सेकेंड कंडीशन, अब जो हमारा जीरो है ये मिडल वाली लाइन से छोटा होना चाहिए, तो जीरो इज लेस देन माइनस बी बाय टू है, ठीक। तो जीरो इज लेस देन माइनस बी बाय टू है, ठीक है। तो माइनस बी बाय टू है क्या जा रहा है, राइट। तो इसका माइनस करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो एम माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू है, यानी कि टू दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो टू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वो जीरो रहेगा, तो एम माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एम इज ग्रेटर देन थ्री। तो दिस विल मेक श्योर कि जो जीरो है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तुम्हारे मिडल वाली लाइन के, बट यस वो लेफ्ट हैंड साइड तो रहेगा। अब हम मेक श्योर करेंगे कि जीरो अल्फा से भी छोटा है, तो उसके लिए थर्ड कंडीशन क्या आ जाएगी, दैट इज ए इंटू एफ ऑफ डी इज ग्रेटर देन जीरो। अब ए तो इसका ऑलरेडी वन है, एफ ऑफ डी मतलब डी क्या है, जीरो। एफ ऑफ जीरो जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। तो देखो इस पूरी इक्वेशन के अंदर हमने जीरो पुट कर दिया एक्स को, ये जीरो ये जीरो, तो ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी, तो बचेगा एम। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ रही है, एम, तो एम वन इंटू एम शुड बी ग्रेटर देन जीरो और एम इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन हमारी बन गई। अब हमें पहली भी चाहिए, दूसरी भी चाहिए, थर्ड भी चाहिए, तो तीनों का मिला के इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, वन नाइन ग्रेटर देन थ्री ग्रेटर देन जीरो, तो इंटरसेक्शन आ गया, दैट्स इट, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज दैट एम बिलोंग्स टू नाइन टू इंफिनिटी। तो अगर ये चीज है देन यस बोथ रूट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, या बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं इसी चीज को प्लॉट करके दिखाता हूं, हाँ जी ध्यान से देखो, इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर एम माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस एम, ठीक है। अब देखो एम को मैं वेरी करा रहा हूं, ध्यान से देखना, ये वैल्यू क्या जा रही है एम की, 3.9। तो अभी मैं जो वैल्यू ले रहा हूँ ये नाइन से छोटी छोटी ले रहा हूँ, तो ध्यान से देखो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो रूट्स ही नहीं आ रहे, यहाँ पे रूट्स आ रहे हैं, लेकिन देखो क्या है, एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है, हमें तो चाहिए दोनों पॉजिटिव, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो जितना मैं और पीछे जाऊंगा एक रूट और नेगेटिव होता रहेगा, एक पॉजिटिव जाता रहेगा, राइट। तो कहने का मतलब अगेन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू नहीं हो रही, राइट। अब देखो मैं नाइन तक लेके गया, थोड़ा आगे आगे बढ़ा रहा हूँ, देखो जैसे जैसे आगे बढ़ा रहा हूँ तो पैराबोला नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जैसे ही एग्जैक्टली नाइन पे पहुंचा तो यस अब दोनों रूट्स इक्वल हो गए एंड दोनों पॉजिटिव हैं, तो यस ये आंसर है हमारा। इसे आगे लेके जाओ तो यस दोनों रूट्स आने शुरू हो गए और दोनों के दोनों पॉजिटिव, अब आगे जहां तक मर्जी लेके जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे लेट से 100 तक लेके गए, ठीक है। तो आगे 100 तक लेके जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों रूट्स हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, देखो ये पैराबोला, ठीक है। आगे और लेके जाओ तो दोनों रूट्स हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो इसलिए 9 से लेके इन्फिनिटी जो है इस क्वेश्चन का आंसर था, हाँ जी प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ। इसमें कोई भी कंडीशन का मतलब नहीं समझ में आया, देखो रटना नहीं है, तीनों कंडीशन हमें समझ में आनी चाहिए कि क्यों लगा रहे हैं, क्यों यही चीजें लगा रहे हैं, एंड हाउ दीज थ्री कंडीशन आर मेकिंग श्योर कि यस आर कंडीशन जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने तीनों कंडीशन का मतलब समझाने की कोशिश की है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, कि दिस मेक श्योर रूट्स एग्जिस्ट चाहे इक्वल चाहे डिस्टिंक्ट, दिस मेक श्योर कि डी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लाइन करता है मिडल वाली लाइन के, एंड दिस मेक श्योर कि डी लाइज आउटसाइड द रूट्स। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो मेक श्योर करेगा कि यस बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन डी। थर्ड वाली समझ नहीं आई, ठीक है। अच्छा भाई देखो ये चीज समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे पहले हम डी को लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन कैसे डी को लोकेट कर रही है पहले ये चीज समझो, ठीक है। देखो या तो ए पॉजिटिव हुआ या तो ए नेगेटिव, हाँ जाना। तो अगर ए पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तभी जाके पॉजिटिव जाएगा, हाँ जाना। सिमिलरली अगर ए नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तभी जाके पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये है
कि अगर ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ डी पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ डी नेगेटिव होना चाहिए। हाँ जाना जी ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ ऑफ डी? एफ ऑफ डी का मतलब होता है आउटपुट एट इनपुट डी, बात समझा? हाँ जी डी कि डी इनपुट देने पे आउटपुट क्या आ रहा है, बात समझा? हाँ जी एफ ऑफ डी नेगेटिव होने का या पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, कि एफ ऑफ डी पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि डी एक ऐसा पॉइंट जहां पे आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है, बात समझा? हाँ जी समझ तो यहां पर पहले वाले क्वाड्रेटिक में ये पॉइंट्स हैं जहां पे आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब अबव एक्स एक्सिस, या तो ये वाले पॉइंट्स हैं, बात समझा? हाँ जी और सेकंड वाले में ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ डी नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि डी एक ऐसा पॉइंट जहां पे आउटपुट नेगेटिव आ रहा है, यानी कि डी या तो यहां पे होगा या तो यहां पे होगा। हाँ जाना, यानी कि हाँ तो जी यहां पे होगा या तो यहां पे होगा, मतलब डी लाइज आउटसाइड द रूट्स, और या तो डी इस केस में इधर होगा या तो इधर होगा, तो डी लाइज अगेन आउटसाइड द रूट्स, बात समझे? हाँ जी पक्का? तो दिस मेक हाँ श्योर जी डी लाइज आउटसाइड द रूट्स। अब ये सोच कि अगर यहीं पे लेस देन जीरो हो जाए, तो फिर अंदर आ जाइए। अब कैसे आएंगे वो भी चीज समझ। इसका मतलब यह है कि अगर ए पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए चाहिए, तभी जाके पॉजिटिव इनटू नेगेटिव नेगेटिव जाएगा, बात समझा? हाँ जी सर यानी कि डी एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए इस केस में, ए पॉजिटिव के केस में, जहां पे आउटपुट आ रहा है नेगेटिव। हाँ जाना, हाँ जी सर तो डी यहां पे होना चाहिए, यानी कि डी लाइज इन बिटवीन रूट्स, बात समझा? हाँ जी सर ठीक है, ऐसे ही इस केस में ए पॉजिटिव ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ डी पॉजिटिव होना चाहिए, तो डी एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पे आउटपुट आ रहा है पॉजिटिव, तो वो यहां पे होगा। क्लियर हुआ? हाँ जी सब हाँ पक्का? ठीक जी ठीक ठीक है, अब एक काम करो, ठीक है, ट्राई टू डू दिस। सेम क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस एम इक्वल टू जीरो, बोथ रूट्स ग्रेटर देन वन। ठीक है, ध्यान से करना। तो इसके लिए सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो उससे हमारा क्या आ रहा था, ऊपर वाली सेम कंडीशन आ जाएगी, राइट? एम बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन 9 टू इन्फिनिटी। ठीक है, सेकंड केस, माइनस बी बाय टू ए, ठीक है, इज ग्रेटर देन डी, डी क्या है, वन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस बी बाय टू ए, दैट इज एम माइनस थ्री बाय टू शुड बी ग्रेटर देन वन, ये इधर गया तो एम इज ग्रेटर देन आ जाएगा फाइव। ठीक है, थर्ड थर्ड केस में क्या आ रहा है, ए इंटू एफ ऑफ वन, क्योंकि डी अब वन है, ठीक है, जीरो नहीं आएगा अब, इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो ए क्या है, वन, तो वन इंटू एफ ओ वन ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब यह है कि वन पे आउटपुट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो वन पुट कर दो, तो पूरे चीज का वन पे आउटपुट क्या आ रहा है, वन का स्क्वेयर माइनस एम माइनस थ्री इंटू वन प्लस एम ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये एक बड़ी अच्छी कंडीशन बन रही है, एम एम कटेगा, तो वन प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो, फोर ग्रेटर देन जीरो। ठीक है यार, बेसिकली यहाँ पे क्या आ रहा था, फोर प्लस एम माइनस एम, ये आ रहा था बिफोर कटिंग, राइट? तो एम जो मर्जी पुट करो इधर, राइट, ये हमेशा कटेगा, और जो कंडीशन बन के आएगी ये तो हमेशा ट्रू है, तो कहने का मतलब एम जो मर्जी पुट करो ये कंडीशन हमेशा ट्रू आएगी, ठीक, ये हमेशा ट्रू होगा, यानी कि इधर से आंसर आ गया, एम बिलोंग्स टू ओनली वन। अब तीनों का इंटरसेक्शन क्या जाएगा, वन टू नाइन, 5 to 9 एंड ऑल ओवर, तो आंसर जाएगा ये, दैट इज एम बिलोंग्स टू 9 to infinity। तो यस, अगर 9 से बड़ा बड़ा रहा तो दोनों रूट्स 1 से बड़े रहेंगे, तो इसका भी आंसर आ रहा है 9 to infinity। हाँ जी, किसी को डाउट आ रहा है तो बताओ, क्या सेकेंड वाली में सुनिए डाउट आ रहा है, माइनस बी बाय टू ए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये जो कंडीशन थी, माइनस बी बाय टू ए ग्रेटर देन डी, सर, फर्स्ट में वो डी वाली जो होती है ठीक है ना? उसमें क्लियर अभी? 10 आ रहा है। नहीं, डी वाली जो होती है उसमें 10 ना है। भाई डी की वैल्यू 1 आ गई ना, हाँ जी
तो ये वन आ गया, एम माइनस बी बाई टू ए के जा रहा है ये, एम माइनस थ्री बाई टू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टू इधर थ्री इधर, तो फाइव आ गया ना, तो एम इज ग्रेटर देन फाइव आ रहा है, टेन तो आ ही नहीं रहा। नहीं फर्स्ट वाली बोल रहा हूँ, मतलब गलती से सेकंड बोल दिया वाले तो फर्स्ट में इसमें ग्रेटर देन जीरो करोगे वो। तो ये बन जाएगा ना, नहीं टेन तो आ ही नहीं रहा, वन वन है नाइन, वन से छोटा, नाइन से बड़ा आ रहा है। भाई क्लियर हुआ जी पक्का? जी ठीक, अब आ जाओ सेकंड केस। अब बाकी केसेस बहुत इजीली हो जाएंगे क्योंकि पहला केस अगर डीपली समझ आया तो बहुत इजीली हो जाएंगे। सेकंड केस, बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन डी, ठीक है, बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन डी। तो अब क्या होना चाहिए, देखो अल्फा बीटा इधर डी होना चाहिए, या तो ये वाला केस, ठीक है ठीक है, या तो ये वाला केस अल्फा बीटा, ठीक। अगेन सबसे पहला डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रूट्स होने चाहिए। सेकेंड माइनस बी बाय टू ए जो है वो डी से छोटा होना चाहिए, माइनस बी बाय टू ए डी से छोटा होना चाहिए, तो माइनस बी बाय टू ए इज लेस देन डी। थर्ड अगेन डी लाइज आउटसाइड द रूट्स, तो ए इंटू एफ ऑफ डी शुड बी ग्रेटर देन जीरो। सो दीज आर द थ्री कंडीशन विच विल मेक श्योर, ठीक है, कि डी जो है दोनों रूट से बड़ा रहेगा। कौन सी कंडीशन चेंज हुई फर्स्ट वाले से? सिर्फ ये उल्टी हो गई, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ चेंज नहीं हुआ। हाँ जी क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। तनिष, तुषार, तनिष यस सर क्लियर, तुषार, यस सर क्लियर, साहेब, राजवीर, प्रणव, मानस, नमन, क्लियर? यस सर, ठीक। अगर ये कंडीशन क्लियर है, ठीक है, तो सेम क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एम माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस एम इज इक्वल टू जीरो। अब इसके अंदर निकालना है, फाइंड एम फॉर बोथ रूट्स टू बी नेगेटिव और बोथ रूट्स स्मॉलर देन जीरो। दोनों रूट्स नेगेटिव मतलब दोनों रूट जीरो से छोटे रहेंगे, ठीक है। जल्दी से एग्जांपल करो, जल्दी खुद करो, ठीक है। देखो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इसका आ जाएगा एम बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन नाइन टू इन्फिनिटी। सेकेंड माइनस बी बाय टू ए, ठीक है, लेस देन डी, डी क्या है जीरो, ठीक है, तो आ जाएगा एम माइनस थ्री बाय टू इज लेस देन जीरो, तो यानी कि एम इज लेस देन थ्री, ठीक है। थर्ड ए इंटू एफ ऑफ डी यानी कि एफ ऑफ जीरो, ए वन है तो ये आ जाना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा, एम इज ग्रेटर देन जीरो, तो तीनों को मिला के तुम्हारा बनेगा वन टू नाइन, ये जीरो ओपन ये एंड एम इज लेस देन थ्री, ये तो तीनों के इंटरसेक्शन आ रहा है ये, यानी कि एम बिलोंग्स टू जीरो टू वन, वन पे ओपन क्योंकि यहाँ पे ओपन है, ठीक है, ये वाला ओपन है तो जीरो टू वन पे क्लोज, तो इस तरीके से ये फाइनल आंसर जाएगा। हाँ जी ठीक है, क्लियर है सबको, ध्यान से देख लो। अरमान, अर्पित, अनीश, अर्शिया, ईशिका, अर्शिया गुलाटी, अर्शिया गर्ग, क्लियर है? हाँ जी यस सर, डी वाला दोबारा क्या चीज? ये ऑलरेडी किया बताना। हुआ है ना, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये बात समझे? ठीक। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई पुराना, कंफ्यूजन हो रही तुम्हें? पक्का क्लियर है? हो रही है क्या कंफ्यूजन कंफ्यूजन हो रही है, किसमें हो रही है, क्लियर क्यों नहीं कर रहे हो बताओ? डी डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट, ध्यान से देखो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्या जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी क्या आ रहा है, माइनस ऑफ एम माइनस थ्री ना, वाला पॉजिटिव हो जाएगा, एम माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू एम, तो ये चीज आ गई, ये चीज समझे भाई? क्लियर हुआ कि नहीं? मैं, हाँ जी हो गया, मैं कुछ आवाज सही नहीं आ रही, ऐसा आवाज नहीं सही आ रही थोड़ी प्रणव।
हो गया क्लियर, कुछ और ही कर पक्का? रहा है। हाँ जी ठीक। अब आ जाओ, अब थर्ड केस। ठीक है, थर्ड केस क्या है कि डी लाइज इन बिटवीन रूट्स। ठीक है, यानी कि अगर ये अल्फा बीटा है तो डी इधर लाई करना चाहिए, ये अगर अल्फा बीटा है तो डी इधर लाई करना चाहिए। तो क्लियरली सबसे पहला केस क्या आएगा, रूट्स होने चाहिए। लेकिन इस केस में दो अलग अलग रूट्स होने चाहिए क्योंकि एक नंबर को उन दोनों के बीच में आना है। तो अगर दोनों रूट्स ही बराबर हो गए तो कोई भी नंबर उनके बीच में नहीं आ सकता। तो यानी कि इस केस में डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ ग्रेटर देन जीरो रहेगा, अब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू जीरो नहीं चलेगा। ठीक है, वी हैव टू मेक श्योर दिस कि रूट्स आर डिस्टिंक्ट। सेकेंड भाई, डी अंदर लाई करना चाहिए। तो देखो ये जो मिडल वाली लाइन है, डी यहां पे हो जाए तब भी अंदर लाई कर रहा है, यहां पे हो जाए तब भी अंदर लाई कर रहा है। यानी कि माइनस बी बाय टू ए से छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि माइनस बी बाय टू ए वाली कंडीशन अब नहीं आएगी। तो डी पे अब ध्यान से देखो, अगर ए नेगेटिव है तो डी पे आउटपुट पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि एफ ऑफ डी जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि डी अंदर होना चाहिए इन बिटवीन रूट्स। यहां पर भी डी इन बिटवीन रूट्स, तो क्या आ गई कंडीशन, ए इंटू एफ ऑफ डी इस बार लेस देन जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, डी लाइज इन बिटवीन रूट्स, दैट्स इट, वी आर डन। सिर्फ ये दो कंडीशन। हाँ जी, क्लियर हुआ? ध्यान से देखो जरा, कंफर्म करो क्लियर हुआ, राइट? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक। चलो अब सेम क्वेश्चन करना तुम्हें, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एम माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस एम इज इक्वल टू जीरो एंड फोर टू लाइज इन बिटवीन रूट। ठीक है, टू लाइज इन बिटवीन रूट, ध्यान से करो। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला भाई रूट्स होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन जीरो। तो इसके केस में आ जाएगा एम बिलोंग्स टू, ऑलरेडी कर रखा है हमने, अब ओपन आ जाएगा यूनियन नाइन टू इन्फिनिटी। सेकेंड, ए इंटू एफ ऑफ डी लेस देन जीरो होना चाहिए, ए वन है तो एफ ऑफ डी जो है राइट, डी क्या है टू, एफ ऑफ टू क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। बेसिकली एफ ऑफ टू लेस देन जीरो, तो टू को पुट करो इसमें, तो टू का स्क्वायर फोर माइनस एम माइनस थ्री इंटू टू, तो माइनस टू इंटू दिस प्लस एम इज लेस देन जीरो। तो क्या आ गया, माइनस टू एम प्लस एम दैट इज माइनस एम, फोर प्लस सिक्स दैट इज टेन इज लेस देन जीरो, तो एम इज ग्रेटर देन टेन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, दैट्स इट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वन नाइन, ये आ गया टेन। ठीक है, तो ये दैट इज एम बिलोंग्स टू टेन टू इन्फिनिटी, दैट्स इट। हाँ जी प्रणव, क्लियर हुआ? हाँ जी सर। पक्का? हाँ जी। आवाज नहीं सही आ रही सर, आजकल आवाज खराबी पड़ी है। ओके ओके ओके, ठीक। ठीक है, तो चलो ये था थर्ड केस। तो सिंगल पॉइंट के हिसाब से जितने केसेस बन सकते थे वो हमने देखे, अब दो पॉइंट्स के हिसाब से। ठीक है, ध्यान से देखो, दिस इज डी वन, दिस इज डी टू। देखो, या तो दोनों रूट्स डी वन डी टू के अंदर आएंगे, ठीक है, या तो एक रूट डी वन से छोटा दूसरा रूट डी वन से बड़ा, ठीक है, या फिर डी वन डी टू एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन डी वन डी टू। ठीक है, ये तीन केसेस आएंगे, दो पॉइंट्स के हिसाब से तीन केसेस आएंगे, या तो दोनों अंदर है या तो दोनों बाहर है, या तो एक अंदर है एक बाहर है। ठीक है, बोथ रूट्स बिटवीन डी वन डी टू, ठीक है, वन रूट लेस देन डी वन अदर ग्रेटर देन डी टू, एंड ये एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन डी वन डी टू। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहला केस देखते हैं। ठीक है, कि चलो पहले ये वाला देखते हैं, एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन डी वन डी टू। ठीक है, एग्जैक्टली केस फोर, वन रूट बिटवीन डी वन डी टू। ठीक है, ये ना ट्वेल्थ में चैप्टर आएगा तुम्हारा कंटिन्यूटी, ठीक है ना, ये कंटिन्यूटी की थ्योरम है जो अभी मैं तुम्हें करवा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, कि अगर एक फंक्शन डी वन डी टू के अंदर टूट नहीं रहा है, ठीक, कंटिन्यूसली जा रहा है, राइट, ऐसा है, या तो ऐसा है या
या तो ऐसा है, ठीक, मतलब D1 पे जो आउटपुट आ रहा है और D2 पे जो आउटपुट आ रहा है वो दोनों को अलग अलग ऑपोजिट साइन के, मतलब एफ ऑफ D1 इंटू एफ ऑफ D2, राइट। तो अगर दोनों ऑपोजिट साइन के हैं तो दोनों के आउटपुट का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर ये चीज ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि एक पे आउटपुट पॉजिटिव एक पे नेगेटिव होगा। अब खुद सोचो, बीच में अगर फंक्शन टूट नहीं रहा है तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो बीच में जीरो तो कट करके जाएगा एक्स एक्सिस को, या तीन बार करेगा, या दो बार करेगा, या चार बार, कम से कम एक बार तो करेगा। तो इसका मतलब ये है कि बिटवीन D1 D2 देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी की थ्योरम होती है कि अगर फंक्शन हमारा D1 D2 के बीच में कंटिन्यूस है, कहीं टूट नहीं रहा बीच में, एंड D1 पे और D2 पे आउटपुट ऑपोजिट साइन का आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि D1 D2 के बीच में कम से कम एक रूट, एक ना एक बार एक्स एक्सिस को वो कट या टच करके जाएगा, ठीक है। तो मतलब D1 D2 के बीच में कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करेगा। हाँ जी प्रणव, क्लियर हुआ ये साहेब? हाँ जी सर। मानस? यस सर। अरमान क्लियर हुआ? तनेश, तुषार? यस सर। तो अब इसको यूज कैसे करेंगे? इसको इस तरीके से यूज करेंगे कि बिटवीन D1 D2 अगर ऐसा केस है, D1 D2 ऐसा केस है, D1 D2 ऐसा केस है, या D1 D2 ऐसा केस है, तो D1 पे आउटपुट नेगेटिव, D2 पे पॉजिटिव, D1 पे पॉजिटिव, D2 पे नेगेटिव, देखो ऑपोजिट साइन आ रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट कंडीशन दोनों रूट्स अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में एक नंबर आएगा, दोनों रूट्स के बीच में एक नंबर आएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड, जो दो पॉइंट्स हैं D1 D2 इन दोनों पे आउटपुट ऑपोजिट साइन का होना चाहिए, तो एफ ऑफ D1 इनटू एफ ऑफ D2 इज लेस देन 0, दैट्स इट, दीस टू कंडीशंस आर सफिशिएंट, ठीक, फॉर दीस फोर केसेस। हाँ जी, ये चीज समझ में आई? क्योंकि ये क्या मेक श्योर करेगा कि बीच में कम से कम एक रूट तो आ रहा है, राइट। अब क्या दोनों रूट्स आ सकते हैं बीच में? अब ध्यान से देखो, अगर ये D1 है, ये D2 है, अगर दोनों रूट आए फिर से नीचे आना पड़ेगा उसको, तो दोनों पे आउटपुट पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा, दोनों पे आउटपुट का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा फिर? पॉजिटिव, तो नेगेटिव नहीं आएगा, राइट। यानी कि दो रूट्स इसके थ्रू नहीं आ सकते, ये चीज याद रखना, ठीक है। D1 D2, ठीक है, देखो एक रूट आया, अब दूसरा रूट अगर आना है वापस उसको ऊपर आना पड़ेगा, यानी कि दोनों पे आउटपुट पॉजिटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो चीज है इसके थ्रू दो रूट्स नहीं आ सकते, दोनों रूट्स D1 D2 के बीच में नहीं आ सकते। बात समझ में आ रही है? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, तो दिस विल मेक श्योर कि एक रूट एग्जैक्टली वन रूट जो है वो D1 D2 के बीच में आ रहा है, एंड इफ बोथ रूट्स आर डिफरेंट, ठीक है। चलो अब जैसे इसका एग्जांपल, सेम चीज, ठीक है, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन 1 to 2, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तो m बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -∞ to 1 यूनियन 9 to ∞। सेकेंड, f ऑफ D1 इंटू एफ ऑफ D2, ठीक, इज लेस देन 0। D1 क्या है? 1। D2 क्या है? ठीक, एफ ओ वन का मतलब इसमें 1 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 1 - m - 3 + m टोटल इंटू एफ ऑफ 2 पुट कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4 - 2 - m - 3 + m इज लेस देन 0, ठीक है। देखो ये एम एम कटा तो क्या आ गया, 4 × 4 and 6 = 10 - 2 m + m दैट इज -m दैट इज लेस देन 0, ठीक। तो ये तो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, तो 10 - m इज लेस देन 0, यानी कि m इज ग्रेटर देन 10। तो इन दोनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन कर लो तो क्या आ जाएगा, 1 9 10। तो ये दैट मीन्स m बिलोंग्स टू 10 to ∞। तो m की वैल्यू अगर 10 से बड़ी बड़ी हुई तो जाके वी विल मेक श्योर यस एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन 1 and 2। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है तो बोलो प्लीज, शाबाश जल्दी।
प्रणव यस सर, क्लियर है? हाँ जी। अरमान, तनेश, यस सर। ठीक, चलो केस फाइव। ठीक, बोथ रूट्स लाइज बिटवीन D1 D2, मतलब D1 D2 या तो ऐसा है, D1 D2 या तो ऐसा है। दोनों रूट्स D1 D2 के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों रूट्स होने चाहिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सेकंड, तो D1 जो है और D2 दोनों आउटसाइड रूट्स आ रहे हैं, तो D1 के लिए भी आउटसाइड रूट वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, D2 के लिए भी। तो a इंटू एफ ऑफ D1 इज ग्रेटर देन जीरो, a इंटू एफ ऑफ D2 ग्रेटर देन जीरो, ये दोनों ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, D1 के लिए भी, D2 के लिए भी, D1 के लिए भी, D2 के लिए, दोनों के लिए ये चीज ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा क्यों? क्योंकि D1 भी बाहर आना चाहिए, D2 भी बाहर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन D1 पहले होना चाहिए, D2 बाद में होना चाहिए, तो थर्ड कंडीशन क्या आएगी कि -B/2A जो है ये D1 D2 दोनों के बीच में आएगा, यानी कि D1 इज लेस देन -B/2A इज लेस देन D2। ठीक है, ये बीच में आना चाहिए, तो एक इधर होगा एक इधर होगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हमारी बन के आएंगी। ठीक है, मैं भी कंडीशन देख देख के नहीं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, ये ओरली मेरे को याद है, मैं ऑन द स्पॉट डिराइव करके दिखा रहा हूं। ठीक है, यस दिस थ्री कंडीशंस आर सफिशिएंट। ठीक है, अगेन ध्यान से देखो, दिस मेक श्योर की रूट्स हैं, दिस मेक श्योर की D1 या तो इधर है या तो D1 इधर है, दिस मेक श्योर D2 या तो इधर है या तो D2 इधर है। अब हमें मेक श्योर करना है D1 D2 सेम साइड ना आ जाए, D1 इधर है D2 इधर है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, D1 D2 के बीच में -B/2 आना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि D1 इधर ही होगा एंड D2 इधर ही होगा। यस, अपने आप क्या आ गया, बोथ रूट लाइज बिटवीन D1 D2, दैट्स इट। ठीक है ना, तो इसलिए ये तीन कंडीशन हमारी आ गई। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल देखो, सेम क्वेश्चन सर, हम सेकंड में दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव नहीं लिख सकते क्या? क्या सेकंड में दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, एफ ऑफ डी वन इंटू एफ ऑफ डी टू? यस सर। उसमें थोड़ी गलती हो जाती है, उसका मतलब ये है कि एफ ऑफ D1 इंटू एफ ऑफ D2, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, बात समझे? Yes, हमें क्या मेक श्योर करना है कि ये दोनों आउटसाइड होने चाहिए, बात समझा? Yes, हाँ, यहां से क्या हो जाएगा कि दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। अब दोनों नेगेटिव अगर आ गया, राइट, तो इसका मतलब है दोनों यहां पर भी हो सकते हैं या दोनों यहां पे, तो अंदर भी आ सकते हैं। देखो या तो दोनों पॉजिटिव, मतलब D1 भी इधर है D2 भी इधर है, क्योंकि दोनों पे आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है, बात समझे? Yes, ये तो ये केस नहीं चाहिए ना हमें, हमें तो आउटसाइड चाहिए, तो ये केस फालतू का आ जाएगा, तो ये वाली कंडीशन इसलिए यहाँ पे ट्रू नहीं रहेगी, वैलिड नहीं है। ओके, ठीक है, चलो अब देखो, x²-m-3(x+m)=0। ठीक है, क्या केस आएगा इसके अंदर, बोथ रूट्स बिलोंग्स टू 1 to 2। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो m बिलोंग्स टू -∞ to 1, यूनियन 9 to ∞ इसका आ जाएगा। सेकंड, a इनटू f ऑफ D1, यानी कि a क्या है इसका 1, तो 1 इनटू f ऑफ D1 मतलब 1, f ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0, 2 इनटू f ऑफ, सॉरी, a अगेन 1 है, इनटू f ऑफ 2 D2 इज ग्रेटर देन 0। तो 1 पुट करो जरा, 1 पुट करके क्या आ रहा है, ठीक है, 1 पुट करके जा रहा है 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो m बिलोंग्स टू ऑल रियल, f ऑफ 2 ग्रेटर देन 0, f ऑफ 2 ग्रेटर देन 0 क्या आ जाएगा तुम्हारा, दैट इज 10 माइनस m, ठीक है, 10 माइनस m आ रहा है 2 पुट करके, यस 10 माइनस m ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो m इज लेस देन 10। ठीक है, थर्ड, 1 इज लेस देन -B/2A, यानी कि माइनस ऑफ माइनस, तो m -3/2 लेस देन 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इज लेस देन m -3 लेस देन 4 +3 +3 +3,
तो m इज लेस देन 7 ग्रेटर देन 5. अब चारों कंडीशन का इंटरसेक्शन 1 9. देखो यहीं पे पता चल गया इसका और पहली वाले का कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो m बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा. यानी कि कभी भी इसके दोनों रूट्स 1 2 2 के बीच में नहीं हो सकते. हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर. राइट, बाकी तो छोड़ो, पहली और लास्ट वाली का इंटरसेक्शन नहीं तो बाकी का भी नहीं आएगा. तो कभी भी m की किसी भी वैल्यू के लिए इसके दोनों रूट्स 1 2 2 के बीच में नहीं आ सकते. ठीक है, चलो लास्ट केस. D1, D2. One root less than D1, other, and other greater than D2. ठीक है, अब इसका क्या जाएगा? पहली बात तो दोनों रूट्स अलग अलग होने चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, क्योंकि बीच में कोई ना कोई वैल्यू आएगी D1, D2. अब दोनों रूट्स अंदर होने, D1 भी अंदर होना चाहिए, D2 भी अंदर होना चाहिए. तो कैसे होगा? A into f of d1 less than 0, A into f of d2 less than 0. राइट, अब यार कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मिडल वाली लाइन इधर है, d1 इधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो मिडल वाली लाइन का अगेन कोई लेना देना नहीं है. तो दैट्स इट, दीज टू कंडीशंस आर सफिशिएंट. ठीक है, रूट्स होने चाहिए एंड d1 d2 अंदर होने चाहिए. तो अब d1 d2 अगर अंदर है और रूट्स है, इसका मतलब है कि एक रूट अपने आप d1 से छोटा होगा, दूसरा रूट अपने आप d2 से बड़ा होगा. ठीक है, तो कोई इधर हमें फालतू की और कंडीशन को सोचने की जरूरत नहीं है. ठीक है, जैसे एग्जांपल, सेम क्वेश्चन, m इज x स्क्वायर माइनस ऑफ m माइनस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0, वन रूट less than 2 and other greater than 5. ठीक, तो क्या चीज आ जाएगी? पहला भाई रूट है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तो m belongs to माइनस इनफिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इनफिनिटी. सेकेंड, वन रूट लेस देन 2 यानी कि ये ऐसा आ जाएगा 2 एंड 5. ठीक है, तो क्या जाएगा? a तो 1 है, तो f of 2 यानी कि f of d1 less than 0 and 1 dot f of 5 less than 0. ठीक है, तो f of 2 क्या होता है हमारा? 10 minus m less than 0 यानी कि m is greater than 10. ठीक है, 5 के लिए क्या आ जाएगा? 25 minus 5 into m minus 3. ठीक, 25 माइनस 5 इंटू एम माइनस 3 प्लस एम इज लेस देन 0. ठीक है, माइनस 5 एम प्लस एम तो माइनस 4 एम. ठीक है, प्लस 5 थ्री 15, 15 एंड 25 40 इज लेस देन 0, तो 40 इज लेस देन 4 एम, तो एम इज ग्रेटर देन 10. तो इधर से भी एम ग्रेटर देन 10 आ गया. ठीक है, तो दोनों कंडीशन को मिला के हमारा क्या जा रहा है? ठीक है, दैट इज, अच्छा चलो कंडीशन चेंज करते हैं ताकि आंसर थोड़ा सा चेंज कर जाए. इधर ले लो 6, इधर ले लो 6. ठीक है, तो क्या आ जाएगा? f of 6 is less than 10, तो क्या आ जाएगा? इधर 36, इधर आ जाएगा 6. ठीक है, तो माइनस 6 प्लस m तो माइनस 5 m. ठीक है, एंड 6 थ्री 18, तो 36 एंड 18 8 6 14 54, तो इधर आ जाएगा 54. ठीक है, तो इधर आ जाएगा 5 एंड इधर आ जाएगा 54, तो 54 बाय 5. ठीक है, तो अब देखो जरा 1 9. ठीक, सेकंड क्या आ रहा है? m इज ग्रेटर देन 10. फिर क्या आ रहा है? ये आ रही है तुम्हारी वैल्यू, ठीक है, 11 से थोड़ी सी छोटी, ठीक, लेकिन 10 से बड़ी, तो ये आ जाएगा 54 बाय 5, इससे भी बड़ा. तो इंटरसेक्शन आ गया ये, यानी कि m बिलोंग्स टू 54 बाय 5 टू इंफिनिटी. तो दिस इज आंसर. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, केसेस क्लियर हुए, लोकेशन ऑफ रूट के 6 के 6 केसेस ध्यान से देख लो. यस सर. राइट, चलो, तो
वी आर डन विद द क्वाड्रेटिक, दिस वाज द लास्ट टॉपिक, ठीक है, सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं, राइट, चलो वी विल क्लोज द टॉपिक नाउ एंड वी विल कंटिन्यू विद द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन फ्राइडे एंड वी विल डिस्कस द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री, जो भी तुम्हारी असाइनमेंट है वो हम फ्राइडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब टाइम टू टाइम काम करना है तुम्हें, डेडलाइन के साथ साथ मैं तुम्हें काम दूंगा, ठीक है, ध्यान से, चलो डन, थैंक यू।